स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे चाल, समय और दूरी, जिसमें से हम लोग टाइप 12 तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 13 है। तो टाइप 13 में कैसा प्रश्न रहेगा, इसमें क्या होगा कि दे देगा कि दो रेलगाड़ी है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, यानी एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, रेलगाड़ी एक यहाँ पर है और एक रेलगाड़ी यहाँ पर है। कहेगा कि ये रेलगाड़ी जो है वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो है मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये जो कहेगा कि ये 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और ये क्या करती है कि v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ये इसके रेंज जाती है और ये इधर आती है। तो ये कुछ दूरी जब ये इधर जा रही है, इधर आई है, तो कहीं ना कहीं मिलेगी ना। तो मिलने के बाद कहीं भी मिले उससे मतलब नहीं है, मिलने के बाद ये T1 समय में यहाँ पर पहुंच जा रही है, जो A है T1 समय में यहाँ पर पहुंच जा रही है और जब B T2 समय में यहाँ A पर पहुंच जाए। ध्यान दीजिए, दो रेलगाड़ी रहे चाहे दो कुछ भी रहे, दो वो एक V1 चाल से चले और एक V2 चाल से चले, और ये पहला जो है वो T1 चाल मतलब T1 समय में मिल जाए, मिलने के बाद ये T1 समय लेकर इसके जगह पर पहुंच जाए और जो B है वो T2 टाइम लेकर यहाँ पर पहुंच जाए। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या होता है कि V1 बटा में V2 बराबर अंडर T2 बटा में T1 होता है, जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तब। तो आइए देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताएं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है ना, एक एक्स है और एक वाई है, एक दूसरे की ओर जा रही है, ये इसके ओर जा रही है और ये जो है इधर आ रहा है। तो ये कब कितना किलोमीटर के, एक्स जो है, एक रेलगाड़ी जो है पहला रेलगाड़ी, वह क्या कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यह जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और पूछ रहा है कि ये कितने किलोमीटर, इसका चाल पूछ रहा है, ये कितने टाइम में यहाँ पर पहुंच जा रहा है। जो पहला रेलगाड़ी है एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी क्या कर रहा है 169, ये जो है 169 मिनट बाद यहाँ पर पहुंच जा रही है ना, और जो ये है यह 225 मिनट बाद है, जो वाई है 225 मिनट बाद यहाँ पर पहुंच जा रही है। तो हम बताए वाई ऐसा ही कंडीशन दिया है तो क्या होता है V1 बाटा में V2, तो V1 ये V1 हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा 60 है बाटा में V2 तो पूछिए रहा है, दूसरे का चलना पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 बाटा में रूट T2, यानी दूसरा समय, दूसरा का समय, तो ये पहला का समय हुआ, ये दूसरा का समय हुआ ना, तो T2 क्या है 225 मिनट, और ये देखिए घंटा में दिया है, जो चाल है वो घंटा में दिया है, तो इसको भी किस चीज में बदल दीजिए, घंटा में बदल दीजिए, तो घंटा में बदलेंगे तो बाटा में 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बाटा होता है, फिर क्या करा है T1 ना, तो T1 का मान कितना है 169 मिनट है, ये अभी मिनट में है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ये 60 हो जाएगा बाटा में V2, ये क्या हो जाएगा 225 बाटा में 60, ये गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएगा ना, यानी 60 बाटा में 169, ये 60 से 60 कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 25 जो रूट में है 225, इसका वर्गमूल क्या होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है और यहाँ पर 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है, ठीक। तो इसको इसके जगह 15 बटा में 13 लिख दिए। अब जब हम V2 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 60 इधर तीछा तीछ गुणा होता है ना, 60 में इधर 13 से गुणा हो जाएगा, तो 60 में और 13 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 13 के 78 780 हो जाएगा। लीजिए एक मिनट यहाँ पर कटा दीजिए, 15 चौका 60, ये कट गया ना, क्या हो जाएगा V2 बराबर 13 चौके 52, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरा रेलगाड़ी की चाल है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है तथा एक दूसरे से मिलने के बाद एक रेलगाड़ी 5.1/7 घंटे में
तथा दूसरी नौ पुराण के 1/7 घंटे के बाद अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। यदि दूसरी गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली गाड़ी की चाल से क्या होगा, मतलब पहली गाड़ी का चाल क्या होगा पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहली गाड़ी का चाल पूछ रहा है, यानी V1 का पूछ रहा है ना, तो V1 बटा में V2 होता है ना, तो पहला का ही पूछ रहा है, दूसरा का दिया है, तो दूसरा का कितना दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 54 बराबर T2, दूसरा का समय और बटा में पहला का समय। तो दूसरा का समय कितना है, ध्यान दीजिए, दूसरा का समय जो है वह 9 पूर्णांक 1/7 है। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 9 7 63 एक 64/7 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64/7। फिर क्या है दूसरा का, दूसरा का जो है वह है आप लोग का कह रहा है कि कितना समय बाद है, पहला जो है, पहला है 5 पूर्णांक 1/7 कह रहा है ना, तो उसको तोड़ेंगे तो 5 7 35 1 36/7। इसको क्या कर दीजिए, रूट में कर दीजिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, अब ये कटेगा, इसको कटाइए तो ये कटेगा आप लोग को 32 दूना 64 और ये कट जाएगा आपको 18 दूना 36 है, फिर ये कटेगा 16 दूना 32, ये कटेगा 9 दूना 18। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, V1/54 = 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, तो ये 54 इधर जाकर गुणा में हो जाएगा ना, तो 54 से या 4 से गुणा कीजिए, 4 4 16 5 5 20 21 और जो 3 है वो बटा के बटे में रह जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए 3 7 21 3 2 6, यानी पहली रेलगाड़ी का चाल क्या हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ना कटाते तो पर भी हो जाता 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6। तो ये टाइप में आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप, टाइप 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग ए में क्या पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा कि वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न रहेगा, तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ ट्रिक है उसको याद रखना है। कहेगा किसी पहिए द्वारा, पूछ देगा यानी किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होता है, यानी जो पहिया होता है, जो गाड़ी का पहिया होता है उसके द्वारा एक चक्कर, जब एक चक्कर लगाता है तो पूछ देगा उसका परिधि, एक चक्कर लगाने में उसका परिधि क्या होता है, दूरी क्या होता है एक चक्कर लगाने में उसका दूरी, तो पहिए के परिधि के बराबर उसका दूरी होता है, यानी यह एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो पहिए के परिधि के बराबर। और पहिए का परिधि, पहिया कैसा होता है, गोल होता है ना, यानी वृत्त के आकार के होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। अब ध्यान दीजिए ये तो एक चक्कर में लगाया है तो पहिए का परिधि, अगर दो चक्कर में कहता कि दो चक्कर में तो 2×2πr हो जाता है, यानी 2×पहिए के परिधि होता ना, यानी 5 चक्कर कहता तो 5×पहिए की परिधि, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि किसी, अब दूसरा है किसी दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या, तो अगर पूछ देगा कि कोई दूरी दे दिया कि तय करने में बता दिया कि पूछ दिया कि कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, कुल दूरी, जितना वह दूरी तय किया रहेगा वो कुल दूरी बाटा में पहिए की परिधि। तो ठीक है, आइए इसी पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि एक बाईसाइकिल की पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करते हैं तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 5.5 किलोमीटर चलने में ना, यानी कुल दूरी कितना कह रहा है चलने में 5.5 किलोमीटर है, और कितना चक्कर लगा रहा है 250 वह चक्कर लगा रहा है, तो पूछ रहा है कि पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी या पहिए की परिधि होता है ना, चली गई दूरी पहिए की परिधि, यह कितने बार चला है 2500, क्या कर रहा है 2500 चक्कर लगा रहा है, नहीं ये तो एक चक्कर के लिए हुआ, तो हम जब चली गई दूरी निकालेंगे, हम दूरी जब निकालेंगे तो ये तो एक चक्कर के लिए हुआ, लेकिन 2500 वह चक्कर लगा रहा है ना, तो दूरी दिया कितना है, देखिए पहले 2500 चक्कर लगाए तो 2500 × क्या हो जाएगा पहिए की परिधि, परिधि क्या होता है 2πr, यह एक था इसलिए 1 × करेंगे तो उतना आएगा, ये 2500 चक्कर लगा रहा है इसलिए 2500 से गुणा कर देंगे, और दूरी दिया कितना है 5.5 किलोमीटर। इस किलोमीटर को क्या कीजिए आपके मीटर में बदल दीजिए, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुणा, और ये क्या हो जाएगा 2500, 2 × 2 π का मान क्या होता है, π का मान होता है 22/7,
पाई जब भी ऐसा दिया रहेगा तो उसका मान क्या होता है 22/7। तो इसके जवाब हम लोग क्या रख देंगे 22/7। और आर यानी त्रिज्या ही पूछ रहा है ना, तो आर व्यास पूछ रहा है, तो आर का मान नहीं दिया है तो आर का आर ही लिख देंगे। यहाँ पर कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर अब देखिए 55 से 5.5 से और 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 55, यानी 5.5 से 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 55। ये 7 इधर बाटा में है, इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा गुणा में, और इधर 25 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा बाटा में। उसके बाद 2 भी आ जाएगा और उसके बाद 22 भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया आर, इसको कटाइए 11 5 55, 11 2 22। अब ये नहीं कटेगा, पाछा है 25। अब यहाँ पर क्या आएगा आर बराबर 7 बटा में 2 2 4 4 5 20। यह क्या हुआ, इतना मीटर हुआ ना, इतना मीटर हुआ तो बटा में है या मीटर में आ रहा है तो इसको सेंटीमीटर में हम लोग बदल दे रहे हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 20 5 100, यानी आर बराबर क्या आ गया हम लोग का 7 5 35 सेंटीमीटर। ये आर आया है लेकिन पूछ क्या रहा है, पहिए का व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्यास। तो ध्यान दीजिए व्यास बराबर सूत्र क्या होता है, व्यास बराबर सूत्र होता है 2 × त्रिज्या। तो 2 का 2 हो गया, त्रिज्या कितना हम लोग आया है 35, और 35 × 2 क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, यानी उसका व्यास क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक पहिए की व्यास 98 सेंटीमीटर है, तो बताए कि उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने तक चलने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, व्यास दे दिया है 98 सेंटीमीटर और कह रहा है 1540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कह रहा है कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी चक्करों की अब संख्या पूछ दे रहा है। तो चक्करों की संख्या मान लेंगे एन, यानी एक चक्कर में वह कितना दूरी तय कर रहा है 2πr दूरी तय कर रहा है। तो एन चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा, तो एन चक्कर में एन गुणे 2πr दूरी तय करेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूरी बराबर, यानी दूरी कितना तय करेगा एन चक्कर में, तो एन गुणे 2πr वह कितना दूरी तय कर रहा है, वह 1540 मीटर दूरी तय कर रहा है ना, 1540 मीटर दूरी तय कर रहा है। एन का मान पूछ रहा है, यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान नहीं दिया है ना, व्यास दिया है, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी इतना 98 सेंटीमीटर दिया है। आर निकालते हैं तो जो व्यास का आधा होता है वह आर होता है, तो 98 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 49 सेंटीमीटर क्या होगा इसका त्रिज्या। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये किस चीज में है मीटर में है, तो 49 यहाँ पर हो जाएगा ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से हम गुणा कर दिए, अभी सेंटीमीटर में था, इसको भी सेंटीमीटर में कर दिए, इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे, तो 7 7 49 ये कट जाएगा 22 से 70 मरत में, ये कट जाएगा 7 10 में 70 और यहाँ पर कट जाएगा 2 5 10, यानी एन बराबर क्या आ गया 100 5 500, यानी कितना वह चक्कर लगाएगा 500 चक्कर लगाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, गाड़ी की चाल मीटर प्रति मिनट में, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटा में समय होता है ना, तो दूरी नहीं दिया है तो पहले हम दूरी निकालेंगे। तो व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, तो आर क्या होता है, आर व्यास का आधा होता है ना, यानी 2 से भाग दे देंगे तो आर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यार हुआ ना, पूछ किस चीज में रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो इसको मीटर में आप लोग बदल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14/100 मीटर। अब हम 1 मिनट में दूरी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं 1 मिनट में वह कितना दूरी तय कर रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, वह 100 चक्कर लगा रहा है ना, तो एक चक्कर के लिए 2πr दूरी तय करेगा, तो 100 चक्कर के लिए क्या करेगा 100 × 2πr करेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 × 2πr, तो 2πr तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान क्या है 14/100, इसको 100 से 100 कटा दीजिए, ये क्या कट जाएगा 7 2 14, इसको गुणा कीजिए 22 2 44 44 2 88 मीटर, क्या हुआ 88 मीटर हुआ। और पूछ क्या रहा है, चार पूछ रहा है ना, तो चार बराबर क्या सूत्र होता है दूरी, तो दूरी कितना है 88,
बाटा में समय, समय कितना है एक मिनट, तो एक हो जाएगा यानी 88 मीटर प्रति मिनट, यानी क्या हो जाएगा आंसर। तो भाग ए हम लोग का समाप्त हो गया, तो आइए देखते हैं भाग बी। ये रहा हम लोग का भाग बी। आइए भाग बी में कैसा क्वेश्चन रहेगा। तीन व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट तथा 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, तो वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे। क्या कह रहा है कि वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है ना। तो पहले तीनों का समय निकाल दीजिए, तीनों का समय पहले निकालिए। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र हम लोग का होता है ना दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दिया है, 480 मीटर दूरी दिया है, और पहला का ध्यान दीजिए, पहला का निकाल रहे हैं, तो पहला का चाल कितना है 60 है, 60 मीटर प्रति मिनट है। दूसरा का फिर दूरी 480 दिया है, दूसरा का चाल कितना है, तो दूसरा का चाल है सॉरी पहला का चाल 48 है, पहला का चाल 48 है, दूसरा का चाल 60 है, और तीसरा का चाल कितना है, तीसरा का जो चाल है वह 80 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे 48 दहा में 480, ये कट जाएगा 6 के 48, ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या बच गया, 10, 8, 6, तीनों का टाइम, एगो का 10, एगो का 8, एगो का 6 मिनट हुआ ना। अब क्या पूछ रहा है कि तीनों पुनः एक साथ कब मिलेंगे ना, यानी मिलने का समय। तो ध्यान दीजिए, मिलने का समय के लिए क्या करते हैं, मिलने का समय के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसका एलसीएम निकाल देंगे, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए 10, 8, 6, इसका एलसीएम जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, मिलने का समय। तो 10, 8, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 120 मिनट, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया भाग भी कि कैसा देगा, अगर कहेगा कि मिलने का समय कभी भी बोलेगा तो जो जितना भी रहेगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम। तो अब आप लोग का चाल समय और दूरी से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाल समय और दूरी आप लोग का समाप्त हो गया। तो आप लोग, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।